दोस्तों आज आपको आलू गोभी खिलाई जाएगी, सबसे पहले बनाई जाएगी। थैंक्स। दोस्तों आज आपको स्पेशल आलू गोभी खिलाई जाएगी और पीछे से जानवी जनाब अपने पेपर की भी तैयारी करते हुए और अपने प्रिया पापा पे हंसते हुए। एनीवेज मिशन हैज बिगन and it's not a first time, maybe live video for our respectable subscribers. Thank you.
हेलो दोस्तों, न्यूट्रिटिव और न्यूट्रिशियस थिंग्स सिर्फ अपने घर के खाने में ही हो सकती है। आज तो आपको आलू गोभी खिलाई जाएगी। जल्द ही होपफुली कमिंग संडे आपको नॉन वेज से तारुफ कराया जाएगा। द यमीएस्ट चिकन, देन आफ्टर दैट कमिंग संडे नॉन वेज बनाया जाएगा, जिसको कि मटन बोलते हैं, रोगन जोश। और इस प्रकार से अपना सारा मसाला तैयार, और गोभी कट गई है। जी अपना आलू और गोभी और मसाला कट गया, फाइनल एक बार वॉश किया जाए। तो आज आपको रामू काका आलू गोभी बनाकर खिलाएंगे। तो रामू काका की आलू गोभी आज टेस्ट की जाएगी। जानवी जी आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं। वैसे तो ये आज तक काफी टाइम मेरी सब्जियां टेस्ट करते रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट आपको बताया जाएगा कि कोरोना काल में किसी का भला हो ना हो, नरेंद्र शर्मा फैमिली का एक भला यह हुआ दैट जानवी हैज स्टार्टेड कुकिंग। सो अभी आप तड़का लगाते हुए देखें। देखो दोस्तों, आगे मैं कमेंट्री नहीं करता तो लोग कहते हैं आप बोलते क्यों नहीं, लाइव मैच क्यों नहीं दिखाते। ठीक है जी, जो आप करते हैं लाइव क्यों नहीं दिखाते,
आज बोल रहा हूँ तो जानवी इज कीप ऑन लाफिंग. मैनी मोर गेस्ट आर ऑल्सो वेटिंग एंड दे आर लाफिंग ओवर देयर. एनीवेज देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम एंड नेवर बिवेयर ऑफ दैट फर्स्ट टाइम. इफ यू स्टार्टेड फर्स्ट टाइम यू विल नेवर लुक बैक. आई एम एक्सपीरियंसिंग माई प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट सिंस लास्ट 2000. It's 22nd year going on. When I first started, many people start laughing at me. But now only God knows and I know what I am, how much I am. So always be confident. Never lose your heart. और रामू काका आज नरका लगाते हुए one click. और रामू काका ने तड़के की तैयारी कर ली है और अभी रामू काका जी गोभी को उसमें डालेंगे. दोस्तों आपको एक गोभी का टिप देना था. टिप नंबर वन, नेवर एवर यूज द बॉइलिंग वाटर और वट एवर द थिंग्स. अगर आप इसको स्टीम में पकाएंगे तो खड़ी खड़ी गोभी बनेगी आलू गोभी, मसालेदार खड़ी खड़ी. अदरवाइज जब हम पानी डालकर जल्दी क्विकनेस तो हो जाती है लेकिन वो जो लिसी लिसी सी बनती है दैट इज नॉट अ टेस्टियस. ये विदाउट वाटर और विद इन स्टीम बनेगी विद द हेल्प ऑफ स्टीम. अभी हम इसको भर देंगे. लीजिए दोस्तों ये छोटा सा अपना काम था जो कि हो गया है. आज मेरी ड्यूटी लगी थी कि आज आप छुट्टी का दिन है, समथिंग स्पेशल बनाओ. तो नॉन वेज आज हमने अच्छा नहीं समझा, त्योहार का दिन दशहरा था, इस
इससे पहले हम नवमी और नवरात्र बना रहे थे, तो वी फील कि नॉन वेज को हम संडे के लिए पेंडिंग रखते थे। नाउ वी हैव टू वेट फॉर 5 मिनट्स एंड आफ्टर एवरी 2 मिनट्स कीप ऑन स्टेयरिंग और विद इन 10 to 12 मिनट्स इट विल बी रेडी। देन इट विल बी द जानवीज ड्यूटी टू सर्व अस विद द हॉट गरम गरम फुल्का। मज़ा आ जाएगा। मिलते हैं 10-15 मिनट बाद फाइनल कुकिंग जो आपको रिजल्ट्स दिखाई दें। मीनवाइल एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन ड्रिंक्स लेट्स एंजॉय। दोस्तों आज आपको बढ़िया सी खड़ी खड़ी गोभी मिलेगी, जिसमें सी पानी वाली नहीं मिलेगी, स्टीम कुक फूड मिलेगा आपको, दी बेस्ट। और रामू काका के हाथ की आज आप गोभी आलू खाकर देखें। जय हिंद जय भारत। Wonderful and yummy aloo gobhi. This is our final aloo gobhi. Now it's ready to eat. We'll have chapati. Jandi will serve me and I will have this. Thank you very much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। जय हिंद एंड जय भारत। नमक मिर्च सब कुछ एवरीथिंग बैलेंस्ड वेरी नाइस। थैंक्स गॉड। जय माता दी। काट दिया था।